तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खम्मा गणी, राम राम। दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, 3-4-5 दिन हो गए शायद करंट अफेयर्स नहीं आए थे, तो आप लोगों की डिमांड है कि करंट अफेयर्स ज़रूर ज़रूर लाए जाए। तो कोशिश करूँगी कि अब से रेगुलर आए करंट अफेयर्स, और आंसर राइटिंग का वीडियो भी कुछ बच्चों की डिमांड है कि चाहे करंट अफेयर्स बंद हो जाए, आंसर राइटिंग ज़रूर आनी चाहिए। कुछ की डिमांड है कि मैम आंसर राइटिंग बंद नहीं होनी चाहिए, और कुछ की डिमांड है कि करंट अफेयर्स कम से कम इंटरव्यू तक तो आने ही चाहिए। तो दोस्तों देखिए, ये बात भी सही है, अभी मेंस लेट है और इंटरव्यू पहले है, तो हम जोर देंगे कि करंट अफेयर्स आएँ, ताकि अभी जिनके इंटरव्यू हैं थोड़ी सी उनकी तैयारी होती रहे, है ना। और मेंस में तो अभी बहुत दिन है ना, तो मेंस की तैयारी मैं साथ साथ करवाती रहूँगी। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि मैं छोड़ रही हूँ आंसर राइटिंग, लेकिन थोड़ा सा हम इस पर जोर दे के चलेंगे, और वो भी मैं जितना हो सकेगा आंसर राइटिंग भी करवाने की इसके साथ ही कोशिश करूँगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ट्विटर कॉन्ट्रोवर्सी आप सब लोगों ने पढ़ ली होगी, क्योंकि 3-4 दिन से मैंने तो न्यूज़ पढ़ी नहीं थी, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, पेपर तो पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा है तो आज हम यहाँ पर डिटेल में देख लेंगे कि ट्विटर में क्या कॉन्ट्रोवर्सी हुई है और क्यों हल्ला मचा हुआ है। दोस्तों, हमारे आईटी नियमों का पालन नहीं करने पर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने भारत में मिली कानूनी सुरक्षा खो दी है। तो दोस्तों, हमारे आईटी रूल्स हैं 2000 के ना, आईटी रूल्स हैं हमारे 2000, आईटी रूल 2000 हैं हमारे। तो कोई भी सोशल मीडिया कंपनी, ब्लॉगिंग कंपनी जो भी होती है, वो अगर इंडिया में आती है तो इसके लिए हमें उसके लिए आईटी रूल्स के तहत ही उसे भारत में परमिशन मिलती है। और बदले में क्या होता है कि उस कंपनी को तो हमारे जो आईटी रूल्स हैं उनको फॉलो करना होता है, और बदले में भारत सरकार क्या करती है कि उन रूल्स को फॉलो करने के बदले में उसको जो भी सुविधाएँ मुहैया करानी होती हैं, सुरक्षा मुहैया करानी होती है, वो कराती है। लेकिन दोस्तों, ट्विटर ने कितने दिनों से भारत सरकार की बात नहीं मानी है, तो आखिरकार हमारा जो आईटी कानून है 2000 का, उसके तहत जो सुरक्षा मिली हुई थी वो अब ट्विटर ने खो दी है। ट्विटर अब भारत में थर्ड पार्टी गैर कानूनी कंटेंट के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत कार्यवाही के लिए उत्तरदायी है। अब अगर ट्विटर दोस्तों थर्ड पार्टी के रूप में कार्य करता है हमारे यहाँ पे, ये सब मैंने जैसे आपको पहले बताया था, सोशल मीडिया की जो गाइडलाइंस नहीं आई थी वो जब पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था ना कि ये जो सभी प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये अपने आप को थर्ड पार्टी बताते हैं। थर्ड पार्टी मीन्स कि ये ऐसे कहते हैं कि हमारा खुद का कोई कंटेंट नहीं है, कोई और होता है जो कंटेंट देता है, कोई और होता है जो कंटेंट पढ़ता है, रिएक्ट करता है। हम क्या करते हैं, हम एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं। लाइक फेसबुक पे, फेसबुक थोड़ी अपना कुछ लिख रही है, जैसे मैं हूँ, मैं फेसबुक पे कुछ लिखूँगी और कोई आप हो, आप फेसबुक पे उसे कुछ पढ़ लोगे, है ना। तो दोस्तों, ये कंटेंट जैसे कि फेसबुक का अपना नहीं हुआ, तो फेसबुक क्या हो गई, फेसबुक दोस्तों एक थर्ड पार्टी हो गई, ठीक है। तो अब ये थर्ड पार्टी के रूप में जो ट्विटर को मान्यता मिली हुई थी, अब ये क्या हो गई, गैरकानूनी हो गई, है ना, इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है। आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत ट्विटर को लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ था। तो 79 के तहत दोस्तों, आईटी एक्ट जो हमारा है 2000 का, उसकी धारा है 79 के तहत ट्विटर को लीगल प्रोटेक्शन दिया गया था। हालांकि फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सबको यह प्रोटेक्शन अभी मिलेगा, अभी ट्विटर का ही यह खत्म किया गया है। हमारे जो केंद्रीय आईटी मिनिस्टर कौन है दोस्तों, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। तो रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सोशल मीडिया में एक छोटी सी चिंगारी भी, अब दोस्तों रीज़न बताएं, देखो अभी तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि ट्विटर को जो लीगल प्रोटेक्शन मिली हुई थी इंडिया की तरफ से, वो हटा दी गई है, क्योंकि उन्होंने हमारे आईटी कानून 2000 का पालन नहीं किया है। ये क्वेश्चन देखो मेंस में तो आ ही सकता है, वो किस तरह से आ सकता है कि दोस्तों मेंस में दोस्तों हमारी जो सोशल मीडिया गाइडलाइन है ना, वो आ सकती हैं कि क्या हमारे सोशल मीडिया के नई गाइडलाइन आई है। आईटी रूल्स तो ऐसे कैसे लिखा हुआ है, आईटी रूल 2000 है ना, और जो नई गाइडलाइन आई है ना, वो भी आईटी रूल में चेंज करके ही आई हैं। तो मेंस में तो इस तरह से आ सकता है कि भारत के आईटी रूल्स 2000 को समझाते हुए उनमें जो नए क्या परिवर्तन किए गए हैं, था ना। तो अब जो 2021 में चेंजेस किए गए हैं नई गाइडलाइंस के अनुसार, वो आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इंटरव्यू में तो जो मुद्दा अखबारों में रहता है, वो ऐसे कि ऐसे पूछ लिया जाता है। और 21 से आपको बताया इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं, और बैकग्राउंड में आवाज़ आएगी, मेरे पापा का फ़ोन आ जाता है जब भी मैं वीडियो बनाने लगती हूँ। कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, हाँ तो दोस्तों अब ये होगा कि
जैसे कि आईटी रूल्स 2000 और नई गाइडलाइंस, ये तो मेंस में पूछ ली जाएंगे। अब इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है? इंटरव्यू में तो ऐसे कि ऐसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भाई ट्विटर की क्या कंट्रोवर्सी है, समझाइए। तो आप कंट्रोवर्सी समझाने के लिए नाम क्या लोगे? सर सोशल मीडिया की जो नई गाइडलाइन आई है उनका ट्विटर ने पालन नहीं किया, तो ट्विटर एक तरह से बैन कर दिया गया इंडिया में। तो बोलेंगे क्या कौन सी गाइडलाइन थी भाई, बताना ज़रा। तो कौन सी गाइडलाइन थी वो मैंने आपको पूरी डिटेल में पढ़ाई है, वीडियो आप चेक कर सकते हो, प्ले लिस्ट में जाके करंट अफेयर्स में आपको मिल जाएगा, तो वो गाइडलाइंस भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये सारी न्यूज़ दोस्तों इसलिए इंटरव्यू की दृष्टि से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और जब आप सोशल मीडिया गाइडलाइंस मेंस में लिखोगे तो ट्विटर का एग्जांपल आप दोगे, इसलिए मेंस की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर एक न्यूज़ को इधर उधर कनेक्ट करके चला करो कि इसको मेंस में हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसको प्री में हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। प्री में इस तरह से आ जाएगा दोस्तों कि निम्न में से सोशल मीडिया गाइडलाइन 2000, तो इस तरह से दोस्तों ये जो भी मतलब खबर है जो प्री में इस तरह से आ सकते हैं कि नई गाइडलाइंस में से निम्न में से कौन सा प्रावधान नहीं किया गया है, तो चार कोटेशन दे देंगे और उसमें से एक प्रावधान यूज़ नहीं किया गया है, है ना, तो वो सब हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है ये सब करने के पश्चात कि सोशल मीडिया पर एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग का कारण बन सकती है। अगर दोस्तों सोशल मीडिया क्या बताए आपको, आजकल पता है ना एक फेक न्यूज़ होती है कोई सोशल मीडिया पर चली और इस तरह से फैलती है दोस्तों, और सभी लोग उसको रियल समझने लगते हैं, क्योंकि हमें किसी भी खबर के बारे में यह पुख्ता जानकारी नहीं होती है कि यह फेक है, हमें क्या पता यह न्यूज़ फेक है या रियल है ना। किसी भी खबर के आगे टैग तो लगा नहीं होता है, तो बस यही सोशल मीडिया के सबसे कमी है कि चाहे सही खबर तो हम तक पहुँचती ही है, लेकिन बहुत सारी गलत खबरें भी हम तक पहुँचती हैं, बिकॉज इसमें कोई गारंटी नहीं होती है कि खबर सही है कि खबर गलत है। तो ये सारी न्यूज़ दोस्तों चलती रहती है, तो इसी की वजह से खासकर जो भी फेक न्यूज़ के खतरे हैं ना वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इसको कंट्रोल करना, इसे रोकना आईटी नियमों में एक महत्वपूर्ण नियम था जिसका पालन ट्विटर ने नहीं किया। हमको पता है कि देखो जब किसान आंदोलन चला था तो हमारे माननीय जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कई सारे ट्वीट किए थे, और ट्विटर ने उन ट्वीट्स सॉरी किसानों के बारे में कई तरह के ट्वीट किए गए थे, लाइक कि पाकिस्तान से भी कई तरह के पेजेस बने हुए थे, कई तरह के ट्विटर हैंडल बने हुए थे जो इंडिया के बारे में फेक न्यूज़ फैला रहे थे। तो भारत ने ऐसे कुल जैसे कि 89 ऐसे कुछ ट्विटर हैंडल थे, उनको ख़त्म करने के लिए, उनको ब्लॉक करने के लिए ट्विटर को बोला, और ट्विटर ने बोला मैं पूरा प्रॉपर टाइम लूँगा और उसके बाद में ख़त्म करूँगा, जो कि हमारे देश में हिंसा फैलाने का काम कर रहे थे। किसानों के बारे में ये बोल रहे थे कि भारत सरकार इन पर जाति कर रही है, ये वो है ना। तो दोस्तों इस तरह से होता है कि जब ट्विटर भाई तू इतना बड़ा हो गया कि हमारे देश की न्यूज़ है, और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर या फिर हमारे आईटी मिनिस्टर तुमसे कह रहे हैं कि ये न्यूज़ हटानी है, लेकिन आप कह रहे हो कि मैं खुद जांच करूंगा कि ये न्यूज़ हिंसक है या नहीं है, तो इतनी शक्ति थोड़ी हमने दे दी, वो सब हमने सहन किया। इसके बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स का अकाउंट भी ये ब्लॉक कर देता है ना, वो सब हमने सहन किया। तो दोस्तों आईटी रूल्स तो 2000 के थे, उनके तहत पहली शर्त यही होती है कि आईटी न्यूज़ के तहत सबसे पहले आईटी नियमों का पालन करें, और ये आईटी नियमों का पालन ही नहीं कर रहा था, है ना। दूसरी विशेषज्ञों का साफ तौर पर कहना है चूँकि ट्विटर एक सेवा प्रदाता के रूप में नए आईटी नियमों का पालन नहीं करता है, तो सरकार उन्हें भारतवंशी संदर्भ में एक सहज तरीके से अपनी सेवा प्रदान करने के लिए कार्यवाही शुरू कर सकती है। विशेषज्ञों ने भी यही कहा है कि जैसे कि ट्विटर ने अपने आईटी रूल्स का पालन नहीं किया, तो भारत सरकार को यह पूरी तरह से हक है कि वह किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म को अपनी सेवा देने से मना कर दे, मतलब भारत में उस पर बैन लगा दे। आईटी नियम 2021 के नियम 7 के आधार पर कोई भी मध्यस्थ आईटी नियमों का पालन नहीं करता है तो वह स्वचालित रूप से कानूनी दायित्व से अपनी वैधानिक छूट खो देंगे। आईटी रूल्स 2021 जो आए हैं दोस्तों, इसमें जो बोला गया था कि हमें मतलब कोई भी जैसे फेक न्यूज़ आती है तो न्यूज़ प्रोवाइडर का पता होना चाहिए, और भी कितने सारी हमने पढ़े थे गाइडलाइंस जो नए नियम आए थे 2021 के, उसमें तो इनमें लिखा हुआ था कि कोई भी कंपनी जो है, जैसे चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी हो, इन आईटी नियमों का पालन अगर नहीं करती है तो वह स्वचालित रूप से बंद हो जाएगी, स्वचालित रूप से कानूनी उत्तरदायित्व की अपनी वैधानिक छूट खो देगी, मतलब कानून का संरक्षण उसे नहीं प्राप्त होगा। इस मामले में ट्विटर ने आईटी नियम 2021 का पालन न करके 25 फरवरी से 90 दिनों की समाप्ति के बाद अपनी वैधानिक प्रतिरक्षा खो दी है। मतलब 90 दिन का टाइम दिया था दोस्तों, 25 फरवरी से लेकर 3 महीने का टाइम दिया था, वो 3 महीने में भी ट्विटर ने इनका पालन नहीं किया था। फिर आगे हालांकि ट्विटर ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि भारत सरकार के नए आईटी रूल्स को उसने फॉलो किया है, और इसके लिए एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी भी
नियुक्त कर दिया गया है। ट्विटर ने ये कहा कि उसने तो फॉलो किया था और जैसा कि मुख्य अधिकारी कंप्लेंट अधिकारी नियुक्त करना था ना, वो भी नियुक्त उसने कर दिया है। जानकारी के अनुसार ट्विटर का मध्यस्थ का दर्जा उसे मिली कानूनी सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन न करने के कारण 26 मई को स्वतः खत्म हो गया है। 26 फरवरी से 26 मई तक का टाइम दिया गया था। तो भारत सरकार कह रही है कि जो गाइडलाइंस 2021 में हमने जारी की थी ये उन्होंने पालन नहीं किया था, 26 मई को उनका यह जो दर्जा है वो ख़त्म हो गया और आईटी नियमों का पालन नहीं करने वाला हर सोशल मीडिया मंच के साथ में भारत में ऐसा ही हुआ है। इस महीने की शुरुआत में दोस्तों देखें तो ट्विटर को नोटिस जारी करके उसे नई आईटी नियम्स का तत्काल अनुपालन के लिए एक आखिरी मौका भी दिया गया था और सरकार ने आगाह भी किया था कि यदि ट्विटर इन नियमों का अनुपालन करने में विफल रहता है तो वह आईटी कानून के तहत दायित्व से प्राप्त छूट गवा देगा, है ना। कि 26 मई के बाद में आपको पता है इनको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया था, वो भी इसने पालन नहीं किया। केंद्र के साथ ट्विटर का टकराव हम देखते हैं तो इस साल के फरवरी में शुरू हुआ था, जब उस दौरान उसने केंद्रीय तकनीकी मंत्रालय ने ट्विटर से उस कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए कहा था जिसमें पीएम मोदी के प्रशासन पर देश में किसान आंदोलन को लेकर आलोचनाओं को ख़त्म करने के आरोप लग रहे थे। तो दोस्तों सबसे पहले जब हमारा किसान आंदोलन चल रहा था तो फरवरी के से महीने में ट्विटर पे हमारे केंद्र सरकार ने बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स को डिलीट करने के लिए, है ना, और ऐसे बयानों को डिलीट करने के लिए कहा था जिसमें ज़्यादा ही मतलब हिंसक रूप से ये सब दिखाया गया था और ट्विटर ने ऐसा नहीं किया था। तब से केंद्र और ट्विटर के बीच में तनातनी शुरू हो गई थी। इसके बाद में ही केंद्र ने सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही बढ़ाने वाले नए कानून को पेश किया। तो इसके बाद में ही दोस्तों हमारी केंद्र सरकार जो नई गाइडलाइन लेके आई थी ना वो लेके आई, क्योंकि पहले इतने पावरफुल रूल नहीं थे हमारे पास में किसी भी इतनी बड़ी कंपनी को रूल करने के लिए, है ना। तो इसलिए नई गाइडलाइन लेके आई। ट्विटर द्वारा भारतीय नियम कायदों का पालन नहीं करने पर कानूनी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दो टूक राय दी है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि किसी कंपनी को भारत में काम करना है तो उसे देश का संविधान और कानून का पालन करना होगा। प्रसाद ने यह भी कहा कि यदि कैपिटल हिल अमेरिका के लिए गौरव की बात है तो लाल किला भारत के लिए गौरव की बात है, और जहां प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, क्योंकि आपको पता है अमेरिका की कैपिटल हिल में हमला हुआ तो उसे अमेरिकी डेमोक्रेसी पर हमला माना गया। हमारे किसान आंदोलन के टाइम पर लाल किले पर हमला हुआ तो लाल किला हमारी डेमोक्रेसी, दोस्तों हम हमेशा वहाँ पर झंडा फहराते हैं, तो हमारी डेमोक्रेसी पर हमला माना गया। तो इस उसी टाइम पे दोस्तों ये फेक न्यूज़ बहुत चली थी और ये उसी टाइम की बात है जो ट्विटर और केंद्र सरकार में तनातनी हुई थी, ठीक है। ट्विटर ने लद्दाख को चीन का हिस्सा बताया। अभी भी दोस्तों अगर ट्विटर में हम मैप खोल के देखते हैं तो लद्दाख को चीन वाले मैप में दिखाता है, तो जिसे हम और उसे हटाने हमें इसे हटाने के लिए 3 माह तक चीन से जद्दोजहद करनी पड़ी थी, यह भी ठीक नहीं है भाई। अब कोई भी बाहर की कंपनी आ रही है हमारे मैप से छेड़छाड़ कर रही है, तुम चाइना के मैप में कुछ दिखा सकते हो, बट अगर इंडिया में ट्विटर चल रहा है और इंडिया में जब हम कह रहे हैं कि ये धरती हमारी है और तुम चाइना की दिखा रहे हो वो धरती, तो हम थोड़ी सहन कर लेंगे। उसे हटाने के लिए भी हम लड़ रहे हैं भाई ट्विटर से, तो तुम इतने बड़े थोड़ी हो गए। तो इसी कारण दोस्तों भारत सरकार को आखिरकार ऐसा कदम उठाना पड़ा। लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत को अभी अपनी डिजिटल संप्रभुता का संरक्षण करने का भी उतना ही हक है। तो लोकतंत्र जितना जरूरी है दोस्तों, तो हमारी डिजिटल संप्रभुता भी उतनी जरूरी है, क्योंकि आजकल डिजिटल संप्रभुता या फिर डिजिटल जो है होना एक तरह से हमारे लिए उसी तरह से बन गया है जिस तरह से हमारी आज़ादी नॉर्मल आज़ादी होती है, हमें कहीं चलने फिरने की आज़ादी होती है, तो सोशल मीडिया पर भी हमारी जो स्वतंत्रता है वो उतनी ही महत्वपूर्ण बन गई है, और अगर उसमें कोई छेड़छाड़ करता है तो यह बहुत गलत है और भारत सरकार उसमें हमेशा आगे आएगी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ट्विटर ने क्या किया है, भारत सरकार ने उसे क्यों बैन किया है। तो इंटरव्यू में हमसे इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो अच्छे खासे थोड़ा सा बहस करने के लिए हमारे पास टाइम है, और हमें हमेशा केंद्र सरकार का ही पक्ष लेना है, कभी भी ट्विटर का पक्ष नहीं ले देना है। इसके साथ ही ये जो मुद्दा हमसे पूछा जाए तो इसमें सोशल मीडिया गाइडलाइन 2021 बतानी है, आईटी रूल्स 2000 बताने हैं, इसके बारे में जो पीछे प्लेलिस्ट में मैंने पढ़ा रखा आप एक बार जाके थोड़ा सा पढ़ लेना कि क्या क्या गाइडलाइंस आई थी। वो 3 प्लेटफॉर्मों की 6 ही तो बातें डिजिटल न्यूज़ के लिए थी, है ना, और ये मीडिएटरी प्लेटफॉर्म्स के लिए थी, है ना, ऐसे 6 ही तो बातें, 3-3 ही तो गाइडलाइन थी मेन, बस वो पढ़ लेना, कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी वर्ड्स में मैंने समझाया है, ठीक है।
दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन नियुक्त कर दिए गए और वो भी भारतवंशी नियुक्त किए गए हैं, तो हमारे लिए क्वेश्चन भी बनेगा जो लोग इंजीनियरिंग फैक्टर से है ना इंटरव्यू में उनके लिए, और जो प्री में तो सबके लिए बन सकता है बिकॉज इंडियन पर्सनैलिटी इतने बड़े पद पर जाती है तो क्वेश्चन बनना लाजमी हो जाता है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने अपने CEO सत्य नाडेला को ही कंपनी का नया चेयरमैन, सत्य नाडेला माइक्रोसॉफ्ट के पहले CEO हुआ करते थे, अब उनको चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है और ये सत्य नाडेला भारतवंशी हैं दोस्तों, है ना, भारत मूल के हैं। नाडेला के अतिरिक्त इस भूमिका में बोर्ड का नाडेला इस अतिरिक्त भूमिका में बोर्ड एजेंडा तय करने में अगुवाई करेंगे। अब वो जो भी उनका बोर्ड होता है बड़े बड़े लोगों का कंपनी का, उसको तय करने में अगुवाई करेंगे। नाडेला थॉम्पसन की जगह लेंगे जो मुख्य स्वतंत्र निदेशक के रूप में आगे अपनी भूमिका निभाएंगे। दोस्तों अभी इनसे पहले चेयरमैन थे थॉम्पसन, इसलिए मैंने ये सेंटेंस यहाँ पे दिया है क्योंकि प्री में कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट के नए CEO नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो हम बता देंगे कि भाई ये बने हैं सत्य नाडेला। फिर एक दूसरा कोटेशन यह दे देंगे सत्य नाडेला से पहले जो ये थे चेयरमैन ये थे थॉम्पसन, है ना, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। आजकल प्री भी थोड़ा सा ईजी नहीं देते, ट्रिकी क्वेश्चन बनाते हैं ना, इसलिए आगे पीछे की बातें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। नाडेला 2014 में स्टीव बॉलमर के बाद में माइक्रोसॉफ्ट के नए CEO बने थे। इससे पहले नाडेला कौन से पद पे थे, अभी CEO थे ना, तो CEO जब वो थे तो इससे पहले CEO कौन थे, स्टीव बॉलमर थे, और इनसे पहले चेयरमैन कौन थे, ये थे थॉम्पसन थे, ठीक है। उन्होंने हाल ही के वर्षों में कंपनी को क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अगुआ बनाने में मदद की है जिससे कंपनी के आय में भारी इजाफा हुआ है और उसका बाजार मूल्य बढ़कर करीब 2,000 अरब डॉलर हो गया है। दोस्तों नाडेला ने अभी जो कंपनी है उनके माइक्रोसॉफ्ट उसको बाजार में आगे बढ़ाने में क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में बहुत ही शानदार वर्क किया और कंपनी का जो मूल्य है, है ना, बाजार मूल्य है 2,000 अरब डॉलर सिर्फ नाडेला की वजह से बढ़ा है, इसलिए उन्हें इतना बड़ा पद दिया गया है। नाडेला के गवर्नेंस में माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया के सबसे मूल्यवान सार्वजनिक कंपनी का खिताब हासिल किया है। तो दोस्तों सबसे मूल्यवान सार्वजनिक कंपनी बन गई है नाडेला की गवर्नेंस में ही, यही CEO है बहुत दिन से इसके, आज यह है दूसरे नंबर के सबसे मूल्यवान के रूप में खड़ा हुआ है। सबसे बड़ी कंपनी विश्व की है एप्पल और उसके बाद में दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ही है, और इसको दूसरे नंबर की कंपनी बनाने में बहुत बड़ी भागीदारी नाडेला की मानी जा रही है, ठीक है। तो साथ ही माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक्स में 600% से भी अधिक की वृद्धि हुई है। वहीं दिसंबर 2020 में कंपनी द्वारा दायर एक बयान में माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड के सदस्यों ने नाडेला को कोरोना वायरस की महामारी के दौरान उनके नेतृत्व की भी प्रशंसा की थी। कंपनी ने 2020 में ही फाइनेंशियल ईयर में 14% के रेवेन्यू ग्रोथ भी हासिल करी थी। तो आप इस तरह से बता सकते हो कि क्यों बनाया गया, इसलिए दो तीन रीज़न मैंने ये दे दिए कि CEO से निदेशक क्यों बनाया गया। एक तो देखो उन्होंने कंपनी का बाजार मूल्य 2,000 अरब डॉलर बढ़ा दिया, दूसरा सबसे मूल्यवान कंपनी बना दी जिसमें स्टॉक्स में 600% की वृद्धि हो गई, और तीसरा उन्होंने क्या किया है, तीसरा फाइनेंशियल ईयर 2020 में 40% की वृद्धि किस में उन्होंने करी थी, और कोरोना वायरस के दौरान भी बहुत अच्छे से अपनी कंपनी को लेकर चले थे, है ना, तो अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए थे, और ये भारतवंशी हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों 12th के रिजल्ट का फॉर्मूला CBSE ने तय कर दिया है, तो जो लोग टीचर हैं इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें ज़रूर जानकारी होनी चाहिए, और जो लोग टीचर नहीं हैं और वैसे ही प्रशासन में आना चाहते हैं क्योंकि ये प्रशासन बहुत सारे इस क्षेत्र में योगदान भी देते हैं, तो भी हमें जानकारी होनी चाहिए क्योंकि मुद्दा अभी गरमाया हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो फॉर्मूला क्या था, नहीं तो कोरा मोटा मोटा पता तो होना ही चाहिए। तो CBSE ने 12वीं की कक्षा का परिणाम 10वीं 11वीं के फाइनल मार्क्स और 12वीं प्री बोर्ड एग्ज़ाम के आधार पर तैयार किया जा सकता है। वहीं CBSE द्वारा नियुक्त पैनल रिजल्ट तैयार करने के लिए 30:30:40। सबसे पहले ये देखिए दोस्तों फॉर्मूला जो है यह फॉर्मूला 30:30:40 30:30:40 के फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को यही नाम दिया गया, इसी अनुपात पर आधारित होगा 30:30:40। अब क्या है इसमें 30, क्या है 30 और क्या है 40। CBSE द्वारा गठित 12 सदस्यीय समिति, एक 12 सदस्यों की समिति बनाई गई थी जिसने इस फॉर्मूले की सिफारिश की थी, ठीक है। अब यह फॉर्मूला मान भी लिया गया है। फॉर्मूले के अनुसार 10वीं कक्षा के 30% नंबर जुड़ेंगे दोस्तों, है ना, कि 10वीं की परफॉर्मेंस कैसी थी वह 30% नंबर तो उसके आधार पर दिए जाएंगे। फिर कक्षा 11 के अंतिम परिणाम, तो 11वीं में हमारे कैसे नंबर आए, 30% नंबर उसके आधार पर दिए जाएंगे, ठीक है। और फिर 12वीं में प्री बोर्ड एग्ज़ाम लग गई थी दोस्तों, है ना, अभी कोरोना आने
से पहले तो प्री बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर 40% वेटेज कि 12वीं की जो प्री बोर्ड में बच्चे ने कैसा प्रदर्शन किया उसके आधार पर 40% वेटेज दिया जाएगा। तो यही है 30+30+40। तो 30 मतलब 10वीं का 30%, 40 मतलब और वापस 30 मतलब 11वीं का 30%, 40 मतलब 12वीं की जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम टेस्ट वगैरह लगे थे जो परफॉर्मेंस बच्चे की रही थी उसका 40% ले लिया जाएगा। और जो प्रैक्टिकल 100 अंकों के होंगे और छात्रों को स्कूलों द्वारा जमा किए गए अंकों के आधार पर ही नंबर दिए जाएंगे। पहले प्रैक्टिकल्स में कैसे नंबर आए थे स्कूल्स में उनके, उसके आधार पर नंबर दिए जाएंगे। और प्रैक्टिकल 100-100 अंकों के बच्चों के होंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब CBSE और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने आज सुप्रीम कोर्ट में CBSE 12th 2021 रिजल्ट के लिए मूल्यांकन के मानदंड पेश किए हैं। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि 31 जुलाई तक CBSE 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों इनका टारगेट है कि 31 जुलाई तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। जो बच्चे परिणामों से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें दोबारा परीक्षा देने का भी मौका। अगर जिसको लगता है कि भाई मेरे परिणाम अच्छे नहीं हैं, मैं तो बहुत अच्छे नंबर ला सकता था, उन्हें दोबारा परीक्षा का भी मौका दिए जाने की बात कर रही है अगर सब कुछ सही रहा तो, है ना। और इसके लिए गाइडलाइन बनाई जा रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि CBSE ने पहली बार इस अभूतपूर्व संकट का सामना किया है। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा संकट और ना ही हमें इस तरह से कभी रिजल्ट तैयार करना पड़ा था। तो हम भी हमारे स्कूल में बच्चों की इसी तरह से रिजल्ट तैयार, शायद अभी राजस्थान सरकार का नहीं आया है लेकिन आई थिंक ऐसी ही गाइडलाइंस राजस्थान सरकार की भी आएंगी। तो ये सब करना ही पड़ेगा क्योंकि बच्चों की जिंदगी से बड़ी पढ़ाई नहीं होती है ना। तो कोरोना की वजह से ज़िंदगी बचाना ज़रूरी है, ज़िंदा रहे तो पढ़ाई ज़िंदगी में आगे होती रहेगी, इसलिए यह सब करना पड़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है GS संधू। दोस्तों आप सबने पढ़ ली होगी न्यूज़, नहीं पढ़ी है तो यहाँ देख लेते हैं। रिटायर्ड IPS ऑफिसर है दोस्तों GS संधू को राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। दोस्तों GS संधू का योगदान है तो रिटायर्ड IAS ऑफिसर हमारे राज्य सरकार में बहुत ज़्यादा रहा है। और फिर से दोस्तों रिटायर्ड होने के बाद भी GS संधू को राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। संधू को UDH का सलाहकार नियुक्त किया गया है। जो दोस्तों नगरीय विकास मंत्रालय है हमारा, उसका सलाहकार संधू को नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में संधू RCA के भी सलाहकार है, अभी जो है RCA के भी सलाहकार है, इसके साथ ही उन्हें UDH का सलाहकार भी नियुक्त, तो उन्हें RCA का सलाहकार भी नियुक्त कर दिया, नियुक्त थे पहले से और अब UDH का सलाहकार भी नियुक्त कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि देखिए कि संधू इस पद पर महज ₹1 का वेतन लेंगे, ये नहीं है कि वो दो दो वेतन लेंगे। इस पद के लिए महज ₹1 का वेतन वो लेने वाले हैं। और UDH का सलाहकार का पद दोस्तों नगरीय विकास में योगदान, नगरीय नियोजन में योगदान देना पड़ता है, तो बहुत बड़ा ये एक पद माना जाता है। जो संधू हैं वो राजस्थान सरकार के साथ बहुत सालों से टच में हैं और विशेषकर शांति धारीवाल जो मंत्री हैं उनके साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, इस कारण से उन्हें यह पद दिया गया है। और वो अपने पद को लेकर इतने ज़्यादा डेडिकेट हैं कि उन्होंने ₹1 इसके वेतन के रूप में स्वीकार किया है, मतलब ये कह सकते हैं कि निशुल्क अपने सेवाएं वो राज्य को देंगे। तो दोस्तों ऐसे कोई पर्सनालिटी होते हैं तो आपको जरूर उनको याद भी रखना चाहिए और उनके बारे में पता भी होना चाहिए क्योंकि प्री में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ना। और अभी GS संधू के बारे में पूछ लिया जाएगा इंटरव्यू में, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन भी हमारे इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं। मंजू मैम भी बहुत पूछती है, कटारा सर भी बहुत पूछते हैं, तो वो भी पूछे जाते हैं। तो ठीक है, सरकार इस वर्ष गांधी जयंती पर प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू कर रही है और यह अभियान संधू की देखरेख में ही चलेगा। एक नया अभियान शुरू होने वाला है प्रशासन शहरों के संग और संधू ही इसके कर्ता धर्ता होंगे। पिछले दिनों में ही उन्हें अभियान के उच्च स्तरीय समिति में शामिल किया गया था ताकि अभियान को तेज गति दी जा सके। संधू UDH मंत्री शांति धारीवाल के साथ अच्छा तालमेल रहा और यही वजह है कि जब भी धारीवाल के पास में UDH मंत्रालय रहा है। अभी धारीवाल के पास में ही दोस्तों नगर नियोजन वाला मंत्रालय है, तो इसलिए धारीवाल अपना जो सलाहकार है इस मंत्रालय का वो मोस्टली इन्हीं को नियुक्त करते हैं। ठीक है, प्रदेश में कांग्रेस सरकार के आने से पहले ही वो रिटायर्ड हो चुके थे लेकिन कयास यही थे कि धारीवाल उन्हें कोई ना कोई पद दे देंगे। दोस्तों सरकार कुछ भी कर सकती है, उनके बस में ही सारी चीज़ होती है। वैसे तो देखिए संधू रिटायर्ड हो गए थे लेकिन जब सरकार को ज़रूरत होती है किसी अच्छे अधिकारी की जिसने पहले बहुत अच्छा कार्य किया है तो उन्हें इस तरह से भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो धारीवाल के अच्छे मित्र हैं इसलिए धारीवाल ने उन्हें जिम्मेदारी दी है। अगर बात करें संधू की तो संधू कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। UDH का उन्हें लंबा अनुभव है,
ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। नगर नियोजन का उन्हें बहुत लंबा अनुभव रहा है। अशोक गहलोत की सरकार के पहले कार्यकाल 1999 से 2002 तक LSV और UDH के सचिव भी वो रहे थे और उसके पश्चात भी बहुत बार वो UDH में कार्य कर चुके हैं, इसीलिए वर्तमान में उन्हें यह पद सौंपा गया है। ठीक है, और संधू को स्वायत्त शासन, नगरीय विकास और आवासन विभाग का सलाहकार बनाते हुए नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल को रिपोर्ट करने का कार्य वह करेंगे तथा उन्हें सभी सेवाएं मुख्य सचिव के प्रोटोकॉल के तहत ही मिलेंगे। जिस तरह की सेवाएं मुख्य सचिव को मिलती हैं वैसी ही मिलेंगी, लेकिन वो वेतन नहीं लेंगे। ठीक है, और वो अपनी सारी रिपोर्ट्स किसे देंगे, हमारे जो नगरीय विकास मंत्री है शांति धारीवाल उनको देंगे। दोस्तों डेल्टा मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन अब डेल्टा वेरियंट पढ़ाया था, अब डेल्टा तो क्या है यह डेल्टा प्लस हम देख लेते हैं। तो हमारी केंद्र सरकार ने औपचारिक रूप से स्वीकार किया है कि देश में कोरोना का एक नया वेरिएंट सामने आया जो पिछले डेल्टा वेरिएंट के काफ़ी करीब है। जो डेल्टा वेरिएंट हमारा था जो सेकंड वेव के लिए जिम्मेदार माना जा रहा था उसके जैसा ही, उससे थोड़ा सा अलग है और उसका नाम दिया है डेल्टा प्लस वेरिएंट, है ना। वो एक नया वेरिएंट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसे AY.A या डेल्टा प्लस वेरिएंट, दोनों नाम याद रखने हैं दोस्तों। और इससे पहले जो जिसे इंडियन वेरिएंट भी बोला जा रहा था वो नाम भी आपको याद रखना है। डेल्टा वेरिएंट नाम भी, डेल्टा प्लस भी, और डेल्टा प्लस का साइंटिफिक नेम क्या है, AY.A, है ना, वेरिएंट नाम दिया गया है। सरकार ने बताया है कि AY.A कोरोना वायरस का एक वेरिएंट मौजूद है जो कि कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के करीब है, है ना। ये डेल्टा जैसा ही है बिल्कुल। देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान वायरस की चपेट में आए ज़्यादातर लोग इसी वेरिएंट के शिकार हुए थे। कौन से ना, डेल्टा वेरिएंट के शिकार हुए थे, है ना, दूसरी लहर में। अब वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि डेल्टा वेरिएंट ही विकसित होकर डेल्टा प्लस बन गया है। कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि डेल्टा वेरिएंट में ही म्यूटेंट हुआ है और अब यह डेल्टा प्लस बन गया है, लेकिन केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि अभी तक यह डेल्टा प्लस चिंताजनक वेरिएंट नहीं बना है। हालांकि केंद्र सरकार इस पर लगातार नज़र रखी हुई है, तो अभी तक ये बोल रहे हैं कि अभी तक ये बहुत घातक नहीं हुआ है, लेकिन इस पर नज़र रखना जरूरी है बिकॉज तबाही जिस तरह से डेल्टा ने मचाई है हमें डर है कि ये ऐसा ना कर दे। डेल्टा प्लस वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट यानी B.1.617.2, ये डेल्टा वेरिएंट का नाम था और इसका क्या है, AY.1, है ना। इस स्ट्रेन के म्यूटेशन से बना था, तो डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट के म्यूटेशन से बना हुआ है। ये हमें पता ही है कि दोस्तों हर बार जो वायरस अपना रूप चेंज करता है उसे ही म्यूटेट होना बोलते हैं, और म्यूटेट होकर यह दूसरे प्रकार का वायरस बन जाता है। इसलिए तो फिर वैक्सीन बहुत ज़्यादा असर नहीं करती, क्योंकि वैक्सीन हमने बनाई डेल्टा के लिए और अब ये बन गया डेल्टा प्लस, इसके लिए फिर से वैक्सीन बनाओ, फिर से वैक्सीन दो, है ना। तो बहुत कम असर इन पर कर पाता है ना, लेकिन डेल्टा पर तो असर कर रही थी हमारी वैक्सीन, आई होप कि इस पर भी करेगी। तो इसी से म्यूटेंट होकर डेल्टा प्लस बना है। म्यूटेशन का नाम दिया गया है K417N है, जो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में यानी पुराने वाले वेरिएंट में थोड़े बदलाव हो गए हैं, इस कारण नया वेरिएंट सामने आया है। तो दोस्तों पुराने वाला जो डेल्टा था उसके स्पाइक प्रोटीन में थोड़े से चेंजेस सामने आ गए हैं, इसलिए नया वेरिएंट सामने आया है। स्पाइक प्रोटीन वायरस का वह हिस्सा होता है जिसकी मदद से वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो स्पाइक प्रोटीन, हमसे पूछा जाए कि स्पाइक प्रोटीन क्या होता है, आपसे पूछा जाए डेल्टा वेरिएंट कैसे बना, तो हम कहेंगे सर डेल्टा वेरिएंट में थोड़ा सा म्यूटेशन हुआ है उसके स्पाइक प्रोटीन में और इससे डेल्टा प्लस बना है। तो बोलेंगे कि स्पाइक प्रोटीन क्या होता है, तो स्पाइक प्रोटीन वायरस का वो हिस्सा होता है जिसकी मदद से वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमें संक्रमित करता है। और ये म्यूटेशन का नाम क्या है, म्यूटेशन का नाम है K417N, है ना। तो K417N म्यूटेशन के कारण ही कोरोना वायरस हमारे प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम को चकमा देने में कामयाब होता है। तो दोस्तों यही वो म्यूटेशन का नाम है जिसकी वजह से कोरोना हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को चकमा दे देता है। नीति आयोग ने 14 जून को कहा था कि डेल्टा प्लस वेरियंट इस साल मार्च से ही हमारे बीच में मौजूद है। हालांकि ऐसा कहते हुए नीति आयोग ने बताया कि अभी यह चिंता का कारण नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इंग्लैंड की स्वास्थ्य एजेंसी पब्लिक हेल्थ के मुताबिक K417N म्यूटेशन के साथ अब तक कुल 63 प्रकार के अलग अलग वेरिएंट की पहचान की गई है। तो दोस्तों अब तक लगभग 63 प्रकार के वेरिएंट मिल चुके हैं जिसमें 6 भारतीय वेरिएंट हैं। पूरे यूनाइटेड किंगडम में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल 36 मामले, UK में भी दोस्तों इसके मामले आए हैं जो लगभग 36 हैं। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो 6% मामले इस वेरिएंट के आए हैं।
डेल्टा वेरिएंट जो था, डेल्टा ने भारत में दूसरी कोरोना लहर के दौरान जमकर उत्पात मचाया था और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दोस्तों इसको नाम दिया था डेल्टा, ठीक है। इसे कोविड 19 का चिंताजनक स्वरूप करार दिया गया था। डेल्टा अभी तक बहुत खतरनाक था, प्लस को इतना खतरनाक अभी नहीं माना गया है। एम्स के ताज़ा अध्ययन में दावा किया गया है डेल्टा वेरिएंट कोविड 19 वैक्सीन की एक या दोनों खुराक ले चुके लोगों में भी पाया गया है। तो हमें पता है कि 90% सुरक्षा हमें वैक्सीन दे सकती है लेकिन 100% नहीं देती है, तो पाया गया होगा लेकिन कि उन पर उतना असर नहीं कर पाता कि हॉस्पिटलाइज होना पड़े या फिर मृत्यु हो जाए, वो काबू कर लेते हैं। हमें दोनों वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना हो सकता है लेकिन वो हमारे लिए घातक नहीं होगा, यह गारंटी वैक्सीन से हमें मिलती है। लेकिन यह नहीं मिलती है कि हम बिल्कुल भी शिकार नहीं होंगे वैक्सीन लेने के बाद में कोरोना का, है ना। तो ये हमारे लिए फिर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ये ज़रूरी हो जाते हैं कि हर टाइम हम ये अपना के रखें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और चैनल पे यूं ही बने रहें। आंसर राइटिंग भी मैं लाने की कोशिश करती रहूँगी, ठीक है। थैंक यू।